हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी के ऊपर आखिरी प्रहार या फिर अंतिम प्रहार, जो बायोलॉजी जो है अपन रट सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इस वीडियो में अपन ये सब डिस्कस करेंगे। और उससे पहले सभी को बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, क्योंकि कल आप सभी का पेपर है। उसके लिए सबको पहले से ही बेस्ट ऑफ लक। तो आपका पेपर बहुत अच्छे से जाए, जो आपने प्लानिंग किया है उस सभी प्लान आपके एग्जीक्यूट हो कल के पेपर में। तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी का अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस चैनल के ऊपर हमने आपको सारे पेपर के जो PYQs हैं वो करवा रखे हैं, बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हर एक क्वेश्चन हमने करवा रखे हैं। तो आप ये कर सकते हो, 10 या 12 घंटे का टोटल वीडियो होंगे सारे। तो आप जैसे जैसे टॉपिक वाइज अपने क्वेश्चंस आप करना चाहते हो, जिस टॉपिक को आपको करना है उसके क्वेश्चंस आप निकालो, चैनल पर विजिट करो। अगर नए हो तो पहले सब्सक्राइब जरूर करो, उसके बाद आप वीडियो को देखना स्टार्ट करो। PDF टाइप में मैंने सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं। आपको अगर थोड़ा टाइम कम में आप करना चाहते हो तो आप स्पीड इंक्रीज करके भी उसको देख सकते हो, 1.5 पे, 2x पे या फिर 0.25 पे, जितनी आप देखना चाहते हो उस तरीके से आप आराम से देख सकते हो, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो ये सब करने से अगर आप सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन करके चले जाते हो एग्जाम में, तो मान के चलो 20 से 25 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट वैसे के वैसे पढ़ जाएंगे जैसे आपने पढ़ के गए हो सारे चैप्टर वाइज PYQs। आप खुद कमेंट करके बताना मुझे पेपर के बाद कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं और सेम वैसे ही आए हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, वो हो भी सकता है, लेकिन थोड़े बहुत चेंज से वो तो चेंज नहीं होगा, डाटा तो चेंज नहीं होगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है तो वो ऑक्सीटोसिन ही रहेगा, हाइपोथैलेमस है तो वो हाइपोथैलेमस ही रहेगा, फोर्थ वेंट्रिकल ब्रेन में है तो वो ब्रेन में ही रहेगा, किडनी में तो नहीं आ जाएगा। तो ये चीजें हैं सारी कि अगर आप ये चीजें कर लोगे, मैंने एक्सप्लेनेशन भी डाल रखा है, अगर आपने ये वीडियो देखा, क्वेश्चन सोल्व किए और एक्सप्लेनेशन पढ़ के गए, तो डेफिनेटली आपको 20 से 25 क्वेश्चन जो कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था आराम से आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो आपको सिर्फ करना यही है कि मैंने सारे चैप्टर वाइज पेपर PYQs करवा रखे हैं। अगर जिस बच्चे ने लगाए हैं सारे पेपर तो उसको इतना फायदा होगा कि वो एग्जाम के बाद खुद आके कमेंट करेगा किसी भी वीडियो पे कि देखो सर इतना मेरे को फायदा हुआ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर करना जब पेपर करके आओ, और जिसने ये पेपर सोल्व किए हैं सारे कमेंट जरूर करना और बताना हमें कि कितना आपको फायदा हुआ है। और अभी भी टाइम है, अब आज का दिन बचा हुआ है और कल का भी, अभी 2 बजे एग्जाम है, तो उससे पहले भी आप आराम से अपने फोन में आराम से कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए आपको कोई चीज कैरी नहीं करनी, सिर्फ फोन अपने पास है, उससे आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो, सॉल्यूशन पढ़ सकते हो सब कुछ। तो आई होप कि आपको चीजें समझ आ गई होंगी कि अगर आप यहां से ये चीज करोगे, आखिरी प्रहार करके जाओगे बायोलॉजी के ऊपर, तो 50% तो बायोलॉजी ही आती है, आपको पता है, ये बताने की कोई जरूरत है नहीं। इतना भी कर लोगे 50% चीजें आप रिसेंट में, यानी कि रिसेंट में करके जाओगे, ये आप मत भूलना आप कि चीजें रिसेंट में करके जाओगे। और क्या कुछ करना है, लास्ट डे क्या कर सकते हो, मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वो आप देख लेना। तो मिलते हैं, सभी को बेस्ट ऑफ लक एक बार फिर से पेपर की। तो आई होप कि आपको वीडियो सब पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं एग्जाम के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।